Everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erica. I am again here with the new video of your chapter number 3, exercise 3.6. So let's start. Your question number 1 is find HCF. HCF kya hota hai? Highest common factor. मतलब आपको क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर. और कॉमन फैक्टर कैसे निकालोगे? अगर आप पहले फैक्टराइजेशन करोगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 18 and 48. तो पहले 18 and 48 की फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर उसका हम क्या लेंगे? कॉमन. 18 की फैक्टराइजेशन देखो, पहले स्मॉलेस्ट से शुरू करना है हमेशा. देखो 18 2 पे आता है, यस. 2 9 इज 18. अगेन स्मॉलेस्ट से शुरू करो, 9 2 पे आता है, नो. देन 3, यस. 3 3 इज 9. 3 1 इज 3. तो 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए? 2 3 3 एंड 1. आप 1 को कंसीडर कर भी सकते हो और इसको छोड़ भी सकते हो, ओके. क्योंकि 1 तो हर एक का होता ही है प्राइम, ठीक है. नेक्स्ट 48 को भी सिमिलरली सेम ही रूल है कि आपको पहले स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है. 2 से स्टार्ट करो, 2 पे आता है, यस. 2 2 इज 4, 2 4 इज 8. अगेन 2 पे आ रहा है, 2 1 इज 2, 2 2 इज 4. 2 6 इज 12, 2 3 इज 6. अभी देखो 3 2 पे नहीं आता, तो नेक्स्ट पे चलो 3. 3 1 इज 3. तो 48 के प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए? 2 2 2 2 3 एंड 1. अभी हमें इस पे क्या लेना है? कॉमन. कॉमन लो. देखो इन दोनों में कॉमन 2 आ रहा है, देन 3 आ रहा है. 3 भी एक बार ही आ रहा है, राइट. देन 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6. तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या हो गया? 3. वेरी सिंपल. लेट्स कम टू नेक्स्ट. बिल्कुल सेम है 30 and 42. 30 का पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से शुरू करो, 2 2 15 इज 30, 3 5 इज 15, 5 1 इज 5. नेक्स्ट 42, 2 2 इज 4, 1 इज 2. अब 2 पे ये नहीं आता, तो नेक्स्ट पे चलो 3. 3 7 इज 21. अभी 7 2 पे भी नहीं आता, 3 पे भी नहीं आता, 5 पे भी नहीं आता. नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7, 7 1 इज 7. प्राइम फैक्टर्स यहाँ लिखो. 30 के क्या है? 2 3 5. 42 के क्या है? 2 3 7. कॉमन क्या है? 2 एंड 3. मल्टीप्लाई करो, दिस इज योर HCF 6, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन 18 का जो हमने ऊपर किया था सेम ही है प्राइम फैक्टर, ठीक है. 2 9 इज 18, 3 3 इज 9, 3 1 इज 3. नेक्स्ट इज 60. 62 पे आता है, यस. 2 3 इज 6, 0. 30 भी 52 पे आता है. 30 वाला देखो, ये सिमिलर हो गया आगे, ठीक है. 2 15, 3 5 इज 15, 5 1 इज 5. तो सिमिलरली इसके फैक्टर्स लिखो. 18 के क्या है? 2 3 3. 60 के 2 2 3 5. अगेन फाइंड द कॉमन. कॉमन है इनमें 2 एंड 3. 2 इंटू 3 इज 6. तो इसका HCF भी क्या आया? 6. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4, 27 एंड 63. 27 स्मॉलेस्ट से चेक करो, 2 पे आता है, नो. कम टू नेक्स्ट 3. 3 9 इज 27, 3 3 इज 9, 3 1 इज 3. तो 27 के फैक्टर्स बन गए 3 3 एंड 3. नेक्स्ट इज 63. स्मॉलेस्ट से चेक करो, 2 पे 63 आता है, नो. 2 का हम इतनी जल्दी जल्दी कैसे पता चल रहा है कि ये किस टेबल पे आता है? जस्ट डिविजिबिलिटी रूल जिससे. 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? इवन नंबर. यहाँ वंस प्लेस पे ओड है, तो इट मीन्स ये 2 पे नहीं आएगा, ठीक है. नेक्स्ट 3 पे देखो, 6 प्लस 3 क्या है? 9. इट मीन्स ये 3 पे आता है. तो 3 2 इज 6, 3 1 इज 3. 3 7 इज 21, 7 1 इज 7. तो 63 के फैक्टर्स क्या बन गए? 3 3 एंड 7. कॉमन क्या आ रहा है? 3 एंड 3. 3 3 इज 9. तो इसका HCF क्या आ गया? 9. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 एंड 84. चेक फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, 2 2 1 इज 2, 2 8 इज 16, 2 9 इज 18. 9 2 पे नहीं आता. लेट्स कम टू नेक्स्ट, इट इज 3. 3 3 इज 9, 3 1 इज 3. नेक्स्ट वन इज 84. 84 2 पे आता है, यस. क्योंकि यहाँ इवन नंबर है. 2 4 इज 8, 2 2 इज 4, 2 2 इज 4, 2 1 इज 2. 3 7 इज 21, अगेन 7 1 इज 7. तो इसके प्राइम फैक्टर्स 36 के क्या है? 2 2 3 3 एंड 84 के 2 2 3 7. कॉमन देखो क्या है? 2 2 एंड 3. 2 2 इज 4, 4 3 इज 12. तो 36 एंड 84 का HCF क्या बन गया? 12. वेरी सिंपल ना. पहले फैक्टर्स निकाल लो, फिर उनके कॉमन निकाल लो, कॉमन को मल्टीप्लाई कर दो, आपका HCF आ जाएगा. नेक्स्ट इज बच्चे 34 एंड 102. 34 2 पे आता है, यस. 2 1 इज 2, 2 7 इज 14. अभी 17 देखो, चेक करने की जरूरत ही नहीं है. हमें पता है 17 प्राइम नंबर है, तो 17 1 इज 17, क्योंकि 17 और तो किसी के टेबल पे नहीं आएगा. नेक्स्ट इज 102. 2 5 इज 10, 2 1 इज 2. अगेन चेक करो, 5 प्लस 1 क्या होता है? 6. ऐसे 3 पे जाएगा.
थ्री वन इज थ्री, टू रिमाइंडर थ्री सेवन इज 21. अभी अगेन 17 प्राइम नंबर आ गया तो 17 वन इज 17. इसके फैक्टर्स लिखो 2 इंटू 17 एंड 102 के 2 इंटू 3 इंटू 17. कॉमन क्या है 2 एंड 17. जब आप 2 एंड 17 को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट योर एचसीएफ दैट इज 34. राइट, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर जी. इसमें अभी तीन है, बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी नहीं है. पहले हम दोनों के फैक्टर्स लेके दो में से कॉमन निकाल रहे थे, अब हमें तीन के फैक्टर लेके तीन में से कॉमन निकालने हैं. सी फर्स्ट इज 70, 72 पे आता है यस, क्योंकि वंस प्लेस पे क्या है हमारा इवन नंबर. 23 इज 6, 25 इज 10, 57 इज 35, 71 इज 7. नेक्स्ट इज 105, 105 टू पे नहीं आता, कम टू 3, 3 पे आता है यस, बिकॉज 1 प्लस 0 प्लस 5 इज 6 एंड 6 3 के टेबल पे आता है. 33 इज 9, 1 रिमाइंडर 35 इज 15, अगेन ये 3 पे नहीं आता बिकॉज 5 प्लस 3 इज 7 एंड 7 3 के टेबल पे नहीं आता. 57 इज 35, 71 इज 7. नेक्स्ट इज 175, ये 2 पे भी नहीं आता, 3 पे भी नहीं आता, कम टू 5. 53 is 15, 55 is 25, 57 is 35, 7 is a prime number, so 71 is 7. Factors likho pehle 70 ke 2, 5, 7, 105 ke 3, 5, 7, 175 ke 5, 5, 7. Toh common dekho, 5 tino mein aa raha hai and 7 tino mein aa raha hai. Toh 5 into 7 is 35, so HCF in tino numbers ka kya ban gaya? 35. Theek hai, let's come to question number H, bilkul same hai. ठीक है, 91, 112 एंड 49. देखो 91 स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करो, 2 पे आता है नो, 3 पे 9 प्लस 1 10 नो, 5 पे नो क्योंकि 1 प्लस पे 5 1 0 चाहिए, अगेन 7 पे यस, 7 पे आता है, 7 1 इज 7, 2 रिमाइंडर 7 3 इज 21 एंड 13 इज अ प्राइम नंबर, सो 13 1 इज 13. नेक्स्ट इज 112, 2 5 इज 10, 2 6 इज 12, 56, 2 2 is 4, 2 8 is 16, 2 1 is 2, 2 4 is 8, 2 7 is 14, again 7 is a prime number, so 7 1 is 7. Next is 49, 49 sirf 7 ke table pe aata hai, 7 7 is 49 and 7 1 is 7. Similarly, note down all the factors, factors of 91, 7 into 13, 112, 2 into 2 into 2 into 2 into 7, 49 ke to 2 hi hai, 7 into 7. तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 7. तो आपका एचसीएफ का बन जाएगा ओनली 7, नंबर 7. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर आई, 18, 54 एंड 81. सिमिलरली यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स एंड फाइंड द कॉमन. 18, 29 इज 18, 33 इज 9, 31 इज 3. जस्ट यू हैव टू रिमाइंड कि सबसे स्मॉलेस्ट से शुरू करना है, यही 3 नहीं लिख देना. देखो 18, 18 आता तो 3 पे भी है, ठीक है, बट 3 से हम स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि 3 से स्मॉलर 2 प्राइम नंबर और ये 2 पे आ रहा है, तो हमेशा स्मॉलर से शुरू करना है पहले. नेक्स्ट इज 54, 2 2 इज 4, 2 7 इज 14, 3 9 इज 27, 3 3 इज 9, 3 1 इज 3. 81, 81 2 पे नहीं आता तो हम 3 पे जाएंगे, राइट. 8 प्लस 1 9, इट मीन्स ये 3 पे आएगा. 3 2 इज 6, 3 7 इज 21, 3 9 इज 27, 3 3 इज 9 एंड 3 1 इज 3. फैक्टर्स लिखो 18 के क्या हैं, 2 3 3, 54 के 2, 3, 3, 3, 81 के 4 बारी 3. कॉमन क्या आ रहा है देखो, 3 एंड नेक्स्ट एक बारी और 3, बस और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा. सो 3, 3 इज 9, इन तीनों का एचसीएफ का बन जाएगा 9. क्वेश्चन नंबर जे, 12, 45 एंड 75. 12 के तो बिल्कुल इजी है, 2, 6 इज 12, 2, 3 इज 6, 3, 1 इज 3. 45, 45 2 पे नहीं आता, कम टू 3, 3 पे आता है. 3 1 is 3, 1 remainder, 3 5 is 15, 3 5 is 15, 5 1 is 5. Next is 75, 3 2 is 6, 3 5 is 15, 25 3 pe nahi aata, come to 5, 5 5 is 25, 5 1 is 5. Note down all the factors, 12 ke kya hai, 2 2, 3, 45 ke 3 3, 5, 75 ke 3 5, 5, again find the common. Common only 3 aa raha hai, so aapka HCF kya ban jayega tinno ka 3. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेट्स कम टू अवर क्वेश्चन नंबर टू. एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव, कौन क्या कंसेक्यूटिव नंबर, कोई भी दो नंबर लो अपनी तरफ से, बट कंसेक्यूटिव. कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, गैप नहीं होना चाहिए. लाइक 1 2, 2 3, 3 4, 4 5 कोई भी ले सकते हो, लाइक 11 12 13 14, बस गैप नहीं होना चाहिए उन नंबर्स में. तो हमने यहाँ 1 एंड 2 लिया है,
इसका क्या आएगा, देखो वन का तो सिंपल वन ही आएगा है ना, टू का टू आएगा, तो इनमें कॉमन ओनली वन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, वन. नेक्स्ट इवन नंबर लेने हैं, वो भी कंसेक्यूटिव ही होने चाहिए, मतलब गैप नहीं होना चाहिए. लाइक आप टू सिक्स नहीं ले सकते क्योंकि टू सिक्स में फोर का गैप आ रहा है. ठीक है, तो टू फोर लिया, टू के फैक्टर्स किए, टू वन इज टू, फोर के फैक्टर्स, टू टू इज फोर, टू वन इज टू, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, ओनली टू, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, टू. नेक्स्ट ओड लेने हैं, ओड भी कंसेक्यूटिव लेने हैं, कोई भी ले सकते हो. आई हैव टेकन थ्री एंड फाइव. थ्री एंड फाइव का देखो, थ्री का फैक्टर क्या होएगा, ओनली थ्री, फाइव का फैक्टर ओनली फाइव, बिकॉज बोथ आर प्राइम नंबर्स. तो इनमें क्या कॉमन आ गया, वन, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, वन. आप कोई भी ले सकते हो, किसी भी एग्जांपल से कर सकते हो. लेट्स कम टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री. एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 एंड 15 वॉज फाउंड एज. 4 एंड 15 का कहते हैं, हमने एचसीएफ निकाला, वो ऐसे आया. पहले हम चेक करें ठीक निकाला कि नहीं. देखो 4 का 2, 2 इज 4, 2, 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है. 15 का 15 2 पे नहीं आता. कम टू 3, 3, 5 इज 15, 5, 1 इज 5, ये भी ठीक है. ठीक है, उसके बाद कहते हैं सिंस देयर इज नो कॉमन, सो एचसीएफ इज जीरो. इन दोनों में कहते कुछ, देखो ध्यान से देखो, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें टू है, इसमें नहीं है, इसमें टू थ्री फाइव कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट. तो कहते इसका हम क्या कहेंगे कि एचसीएफ जीरो है, एचसीएफ जीरो है. नो, एचसीएफ जीरो नहीं है. इसके साथ हमारे पास वन भी तो है, तो इसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई वन, मल्टीप्लाई वन, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, वन, राइट. तो एचसीएफ जीरो नहीं आएगा. ठीक है, जब आप फैक्टराइजेशन करोगे, आपके पास वन भी होता है, तो इसमें कॉमन क्या आएगा आपका, वन, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, वन. हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. आई केम विद द न्यू वीडियो विद एक्सरसाइज 3.7. यू हैव, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. थैंक यू.